मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 38,799 हो गई। वायरस से मुतासर 10,880 अफराद सेहत याब, 834 जान बड़ न हो सके। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,581 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्टिंग की सलाहियत को मजीद बढ़ाना है, आवाम को कोरोना वबा के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। ऐसा कैश प्रोग्राम के तहत 104 अरब रुपए तकसीम हो चुके। किसानों और सेहत के लिए 50 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। हुकूमत किसी भी हालत में किसी को NRO नहीं देगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान से मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की वसाइल को नुकसान पहुँचाया। मार्केट चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी तबके, दिहाड़ीदार अफराद, बेरोजगारों, मुस्तहकीन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज किया। हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए पुरअर्ज है। शहबाज शरीफ के करप्शन में साथ देने वाले किरदार सामने आ चुके हैं। एक बैग की ट्रेल मौजूद है। मुआवजे खुशी शहजाद अख्तर। कॉफी सगाई कंपनी का अंदरूने मुल्क सगाई ऑपरेशन दूसरी बहार। CIA की लाहौर और कराची के लिए परवाजें, आइंदा का फ्लाइट स्केड्यूल भी तरतीब दिया जा रहा है। तर्जुमान। दुनिया भर में रेल सिस्टम बहाल है। हमें पीर तक फैसला करना होगा, बसूरत भी मुश्किल होंगी। 24 करोड़ रुपए के एडवांस टिकट फरोख हो चुकी हैं। वजीर आजम की जानब से इजाजत मिल गई तो 24 घंटे में ट्रेनें चल जाएंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद। भारतीय आर्मी चीफ के इल्जाम और धमकियां मुस्तरद। भारतीय आर्मी चीफ के बयान मकबूल कश्मीर से आर्मी तवज्जो हटाने की कोशिश है। कश्मीर की कानूनी जिदोजहद को दहशतगर्दी का रंग देने की भारतीय कोशिश कामयाब नहीं होगी। कश्मीर दफ्तर खारिजा। मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की पुरपेशर कार्रवाइयां जारी। रहते कश्मीरियों की जिंदगी अजीर। जिला बड़गाम में 500 जवान गिरफ्तार। आलमी बिरादरी का इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार कश्मीर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 40,61,000 से तजावज कर गई। 3,10,000 से ज्यादा मुमवाद, 17,78,000 से ज्यादा सेहतियाब। अमरीका में एक बार फिर हलाकतों में इजाफा, कुल तादाद 88,600 से बढ़ गई। रूस में 8,10,000 से ज्यादा नए मुतासरी की तनाव। वायरस के मुतासरा की तादाद 2,77,000। मुश्किल वक्त में मदद करने पर पाकिस्तान को कभी नहीं भूलेंगे। चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त और भाई हैं। कोरोना वबा के आगाज से ही दोनों मुल्कों ने इसके खिलाफ मिलकर काम किया। पाकिस्तान की सेनेट में पेश की जाने वाली करारदाद को कदर की निगाह से देखते हैं। तर्जमान चीनी वजारत खारजा। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। लोकल और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत। किराए में 20% कमी। आवाम घरों में रहेंगे तो वायरस का फैलाव कम होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुप्ता। खैबर पख्तूनख्वा में 20 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहा। हजाम की दुकानें और सैलून जुमा हफ्ता और इस बार 3 दिन खोलने की इजाजत। आवामी तहफ़ के साथ माशी सरगर्मियों को भी बहाल करना है। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन में सख्ती का फैसला। लोगों को बिला वजह घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। तमाम दुकानें, मार्केटें और तजारती मराकज बंद रहेंगे। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात ग्रुप या फर्ज से नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वतन अजीज को करप्शन फ्री बनाना है। नैब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक सख्ती से अमल करना है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। मुल्क के 49 मकाम में टिड्डी दल का हमला। फसलों, खाद, फूलदार पौधों के सभी नुकसान। 8,176 एकड़ रकबे पर फसाई स्प्रे। NDMA ने टिड्डी दल को तल्ख करने के लिए स्प्रे और अफियात मुतासर लोगों को इंसान कर दी। और PCB और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग। पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के हवाले से मुस्बत पेशरफ।
قومی ٹیم جولائی کے آغاز میں انگلینڈ روانہ ہوگی ٹیم کو دو ہفتے قرنطینہ میں رہنا پڑے گا دورے میں تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز شیڈیول ہیں